हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ये वाला साइज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, फिल स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी फोटो हम काइंड मास्टर में एड करेंगे, सारे फोटो का साइज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। हमें किसी भी तरह का फोटो का साइज नहीं सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम मीडिया क्लिक करेंगे और अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है। तो चलिए कुछ फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपना फोटो सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने दो फोटो के बीच ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाइप वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इफेक्ट नहीं है तो आप गेट मोर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसकी टाइमिंग को 1 सेकंड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी हम ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाइप वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसकी भी टाइमिंग 1 सेकंड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो के बीच ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने पहले नंबर वाले फोटो सेलेक्ट करेंगे। इसकी टाइमिंग को हम कम कर लेंगे, इसकी टाइमिंग को 3 से 4 सेकंड कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर वाले फोटो सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी टाइमिंग 3 से 4 सेकंड कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो का टाइमिंग कम कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो का टाइमिंग कम कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने फोटो पे ग्राफिक ऐड करेंगे। इसके लिए हम पहले नंबर वाले फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, लाइट स्लाइडर वाला ग्राफिक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये ग्राफिक नहीं है तो आप गेट मोर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर दूसरे फोटो पर भी ग्राफिक ऐड करेंगे। इसके लिए फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, लाइट स्लाइडर वाला ग्राफिक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो पर ग्राफिक ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो पे ग्राफिक ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इमेज इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्कैन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने पहले नंबर वाले फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे और इसकी साइज को इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर वाले फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे, इसको भी इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे, एक और ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और लेयरी का ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहां पर क्लिक कर लेंगे। फिर इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको इस तरह रोटेट करके यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक पीएनजी इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इमेज इसको सिलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको इस तरह रोटेट करके यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक फ्रेम का इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इमेज इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्कैन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे।
तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लास्ट में चले आएंगे और जो भी मटेरियल हमारा बैकग्राउंड से बाहर इसको काट कटा लेंगे। इसके बाद अगर इसे मैं सेव करना है, हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा फाइल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।